नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर परफ्यूम यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर सिद्धार्थ और गाइस आज हम बात करने वाले हैं विलन कंपनी के विलन के हाइड्रा वाले वर्जन के बारे में। तो गाइस आज हम इसका डिटेल रिव्यू करेंगे। बॉक्स की अगर हम बात करें तो विलन इस तरफ लिखा है, नीचे हाइड्रा लिखा है और ये EDP कॉन्सेंट्रेशन है और 100 ml का बॉटल है। डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो ब्लूइश एक शेड दिया गया है जो कि डार्क होते जाता है, नीचे पीछे भी कुछ इस तरह का ही शेड दिया गया है। साइड में लिखा है, एक्सपीरियंस द एल्यूरिंग फ्रेग्रेंस ऑफ विलन हाइड्रा ब्लेंडेड विद फ्रेश एक्वेटिक एंड सिट्रस नोट्स। दिस लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस कीप्स यू एनर्जाइज्ड एंड रिफ्रेश्ड ऑल डे, यूज डेली एंड स्टेप आउट स्मेलिंग एक्वेटिक फ्रेश एवरी टाइम। बॉक्स के अंदर देखें तो कुछ इस तरह से इसका बॉटल दिखता है। बॉटल काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगा है मुझे। पीछे से एकदम प्लेन है, ग्लास का बॉटल दिया गया है और लिक्विड की क्वांटिटी दिखती है इसमें। कलर कॉम्बिनेशन में भी कुछ इस तरह से ही लाइट ब्लू से डार्क ब्लू का शेड दिया गया है। और कैप अगर देखें तो काफ़ी स्नगली फिट होता है। इसके एटमाइज़र की अगर हम बात करें तो मुझे एटमाइज़र काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। बहुत ही डिफ्यूजली स्प्रे करता है और बहुत स्मूथ है एटमाइज़र और लिक्विड काफ़ी दूर तक भी स्प्रे करता है। नोट्स की अगर हम बात करें तो गाइज टॉप नोट में इसका यूज़ किया गया है ग्रेपफ्रूट, लेमन, मिंट। मिडिल नोट में यूज़ किया गया है जैस्मिन और वाइट फ्लावर। और बेस नोट में यूज़ किया गया है इसका वाइट मस्क, नटमेग, एम्बर, सीडर और हल्का सा सैंडलवुड। प्राइस और वैल्यू प्रोपोजिशन की अगर हम बात करें गाइज तो ऑनलाइन इसका वेबसाइट में 750 rupees का प्राइस है 100 ml के लिए और अमेजोन पे इसका प्राइस है 599 rupees, जो कि ऑफर चलने पर 550 के आसपास भी मिलता है। तो अराउंड 500 से 600 rupees के आसपास इसका प्राइस मिल जाता है हमको 100 ml के लिए। इस रेंज में अगर हम दूसरे फ्रेग्रेंसेस की बात करें तो उस्तरा के फ्रेग्रेंसेस है, बियर्डो के फ्रेग्रेंसेस है, ऐसे ही कुछ और फ्रेग्रेंसेस है। और हाँ, वाइल्डस्टोन और डेनवर के भी फ्रेग्रेंसेस अराउंड 250 rupees के 50 ml मिल जाते हैं। तो अराउंड 500 rupees के हमको 100 ml मिल जाते हैं। स्मेल की अगर हम बात करें गाइस तो स्मेल करने पर टिपिकली इस पे ग्रेप फ्रूट का एक स्मेल आता है, लेमन का एक स्मेल आता है, सिट्रसी एक वाइब देता है, फ्रेशनेस है इसमें, ड्राई डाउन में ये हल्का सा वुडी नोट्स देता है। और गाइस इसके प्रोजेक्शन और अगर हम लास्टिंग की बात करें तो प्रोजेक्शन गाइस हमको इनिशियल हाफ एन आवर से लेके 1 hour तक मिलता है, उसके बाद फेड अवे हो जाता है। लास्टिंग भी कुछ खास नहीं है, 3 to 4 hours की लास्टिंग मिल जाती है हमको। हालांकि इन्होंने क्लेम किया है कि ये EDP कॉन्सेंट्रेशन है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि जो मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स यूज़ करते हैं जो फ्रेग्रेंस बनाने के लिए, जो परफ्यूम बनाने के लिए, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी लिक्विड की क्वांटिटी ज़्यादा दे देते हैं मगर शायद उसमें परफ्यूम ऑयल का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कम होता है। अब कौन इसे ट्राई कर सकते हैं और कौन इसे अवॉइड कर सकते हैं? तो गाइज मैं सजेस्ट करूँगा कि जो यंग लोग हैं, ऑफिस गोइंग लोग हैं, वो इसको ट्राई कर सकते हैं। और जो डिओड्रेंट से फर्स्ट स्टेप अपना फ्रेग्रेंसेस की तरफ, परफ्यूम्स की तरफ लेना चाहते हैं, जो एक इनिशियल फर्स्ट एक दो परफ्यूम्स जो है, जो बिगिनर्स लेवल पे जो परफ्यूम्स लेना चाहते हैं, वो विलन के परफ्यूम्स को ट्राई कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन हमको क्या रखनी चाहिए गाइज? हमको 1500-2000 वाले फ्रेग्रेंसेस से जो लास्टिंग मिलती है वैसी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये 500-600 वाला फ्रेग्रेंस है। मेरे ख्याल से ये इनिशियली किसी को अगर परफ्यूम्स ट्राई करने हैं तो उनको इसके साथ जाना चाहिए। जिनको माइल्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद है, जिनको सिट्रसी फ्रेग्रेंसेस पसंद है, उनको विलन हाइड्रा के साथ जाना चाहिए। और जिनको स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस चाहिए, जिनको काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग चाहिए, उनको विलन हाइड्रा के साथ नहीं जाना चाहिए। इससे अगर आप थोड़ा और एक स्टेप आगे जाना चाहें तो आप ज़ारा के फ्रेग्रेंसेस भी ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे ज़ारा के फ्रेग्रेंसेस हैं। उसके ऊपर जाए तो काफ़ी सारे फ्रेग्रेंसेस अवेलेबल है, जैसे डेविड बेकम के कुछ कुछ फ्रेग्रेंसेस है जो बहुत ही बेहतरीन है, डिज़ाइनर भी होते हैं और काफ़ी अच्छा लास्ट भी करते हैं और थोड़ा सा महंगे बजट में हमको थोड़ा बेटर कंपोजिशन मिल जाता है। मगर अगर हम बजट की बात करें तो 500 से 600 rupees में मेरे ख्याल से ये कुछ हम ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। 500 to 600 rupees में ये ठीक ठाक है और मेरे ख्याल से जिनको लॉन्ग लास्टिंग चाहिए वो इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो गाइज यही था मेरा रिव्यू विलन हाइड्रा के बारे में। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और भी ऐसे ही फ्रेग्रेंसेस से रिलेटेड
वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैंने विलेन के और भी सारे परफ्यूम्स ऑर्डर किए, मैं एक एक करके उनका रिव्यू लेके आता रहूँगा। तो गाइस मिलते हैं फिर से, थैंक यू, जय हिंद।